नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। सर राजेश शर्मा, वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब के कार्यालय में एज ए आयुष विभाग में औषधि पद पर अभी नियुक्त हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मेरा ये पूरी ईमानदारी के साथ ये प्रयास रहेगा कि आयुष की क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिसर्च और क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में किस तरह से इस साइंस को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से आयुर्वेद का जो विकास किया जाए, किस तरह से आयुर्वेद के प्रोडक्ट को इस लायक बनाया जाए कि उसकी मार्केट में डिमांड बढ़े और हर कोई उसको खरीदने के लिए तैयार रहे। मेरी पूरी ईमानदारी से ये प्रयास रहेगा कि हर स्तर पर एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रयास किए जाना चाहिए राजस्थान राज्य सरकार के स्तर पर। मैं पूरी ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को ये निवेदन भी करता रहूँगा समय समय पर, और अपनी बात आप सभी की बात इस मंच से उन तक पहुँचाने का पूरी ईमानदारी से प्रयास करूँगा ताकि एक उज्ज्वल बच्चों का जो विकास है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन मार्केट में आ सके। और साथ ही क्योंकि जो माननीय जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो विजन है स्वस्थ भारत विकसित भारत के रूप में, आज माननीय मेरे परम मित्र डॉक्टर महेंद्र जी कछावा, डॉक्टर राजेंद्र जैन ने जो मुझे इस कल्चर इवेंट्स में जो है या अतिथि के तौर पर उन्होंने जो मुझे बुलाया है, मैं अपने हृदय के अंतस्थल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे परम आदरणीय अग्रज मेरे बड़े भाई बंसीलाल जी भाटी साहब का भी मैं हृदय के अंतस्थल से आभार भी प्रकट करता हूँ। और साथ ही इस क्योंकि ये आयुर्वेद का कैंपस है तो मैं भी एक आयुर्वेद का व्यक्ति होने के नाते इस कैंपस में उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय भगवान दत्त। परिचय सर, नाम सर, परिचय। मैं प्रोफेसर राजेश शर्मा, वर्तमान में कार्यालय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री प्रेमचंद जी बैरवा जी के यहाँ आयुष विभाग में एज ए ओएसडी अभी लेटेस्ट नियुक्त हुआ हूँ। आपका भी स्वागत है सर हमारे इस संस्थान में। हमें प्रणाम करते रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र जी जैन सर। पूजन के साथ इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। जिनके लागू होने पर, जिनका विचार करने पर, जिनके प्रभावशील होने पर हम कहेंगे कि हाँ अब भारत पूरी तरह भारत बन गया, तब हम कहेंगे कि हम स्वतंत्र हो गए, हमारे अपने तंत्रों की स्थापना करना। तो बाकी तंत्र में कई प्रकार के विषय हो सकते हैं, लेकिन आज आपसे
जुड़ा हुआ विषय जो है वह यही है कि क्या चिकित्सा क्षेत्र में भारत का अपना तंत्र 1947 के बाद से अब तक स्थापित हो पाया है क्या, ये हमारे लिए विचार करें। जितना कुछ चिकित्सा क्षेत्र में हम प्रयत्न करते हैं, जितना प्रोत्साहन होता है, उनमें से भारत का विचार जो है चिकित्सा क्षेत्र में उसका यह महत्वपूर्ण भाग हमारा ये आयुर्वेद, इस पर हम कितने गंभीर हो पाते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ये प्रकट करने में आप सबके बीच में तो कोई आपत्ति मुझे नहीं लगती है कि आज सभी की प्राथमिकता केवल और केवल एक विशिष्ट पद्धति के प्रति जाती है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहें नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।